वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सार्वजनिक स्थलों के साथ अस्पतालों और बाजारों में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में 3 दिवसीय विशेष सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया, जिसमें जिला महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल में स्थित इंसेफ्लाइटिस वार्ड के साथ ही चरगावा PSC में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर पिछले 2 महीनों से नगर निगम के सभी 70 वार्डों में युद्ध स्तर पर लगातार सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गति को रोकना है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के भीतर सभी 23 CSC और PSC पर भी सैनिटाइजेशन का काम हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। इसके साथ ही फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त GK सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जैसा कि शासन के दिशा निर्देश हैं
उसी निर्देश के क्रम में, और वैसे तो पूरे दो महीने से ज़्यादा समय से पूरे नगरी क्षेत्र में 17 वार्ड जो नगर निगम के हैं उनमें लगातार सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग युद्ध स्तर पर करा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोरोना संक्रमण की जो द्वितीय लहर है जो कि बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रही थी, उसकी जो गति है उसको ब्रेक करना, उसको एकदम कंप्लीट रूप से उसको रोक देना। तो उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने 3 दिन का शनिवार, इतवार और सोमवार का एक विशेष महाअभियान चलाया है, जिसके तहत आज हम लोगों ने सबसे पहले अपनी पूरी टीम के साथ जो है जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और उसके बाद ये जो चरगवा PSC है यहाँ पे हम लोग निरीक्षण करके देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे अन्य जो टीम के मेम्बरान हैं, अन्य जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो लोग जो नगर निगम सिंगमा के भीतर 23 जो CSC और PSC हैं, इसके अलावा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, TB हॉस्पिटल है, इनमें भी हम लोग जो है सैनिटाइजेशन की, फॉगिंग की, विशेष सफाई अभियान, इसकी हम पूरी कार्रवाई करा रहे हैं।